गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। दिस इज योर साइंस लेक्चर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यस चैप्टर 9 यूनिट 3 एयर वाटर एंड वेदर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एयर। क्या रहेगा? एयर, AIR, एयर। सो डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर? एयर मानी हवा, एयर मानी हवा। यस स्टूडेंट, सो वी नो एयर मानी हवा, एयर मानी हवा। तो आपको पता ही है आपके आसपास सभी जगह पर हवा होती है। हवा के बगैर जीना पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट सर्वाइव अवर लाइफ विदाउट एयर, विदाउट एयर। सो हवा के बिना आपको पता है जीना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी नहीं, एनिमल्स भी नहीं। ओके, सो ये लेसन में हम देखने वाले हैं एयर। एयर इज एवरीवेयर, यानी हवा सभी जगह पर दिखाई देती है, सभी जगह पर। वी कैन नॉट सी द एयर बट वी फील द एयर, हम हवा का महसूस कर सकते हैं। एयर इज एवरीवेयर, एयर इज एवरीवेयर, हवा सब जगह पर होती है। एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जरूरी, नेसेसरी का मीनिंग जरूरी। एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, हवा है वो जरूरी है किसके लिए? लाइफ, लाइफ मानी जीवन, जीवन के लिए हवा बहुत ही जरूरी है। आपको पता है स्टूडेंट्स के ह्यूमन के लिए तो जरूरी है ही, बट जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, उनको भी सर्वाइव करने के लिए प्लांट, एयर, वाटर एंड सन तीनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि ट्री है, प्लांट्स है, वो सभी को सर्वाइव करने के लिए प्लांट की ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमें दिया गया है एयर इज एवरीवेयर, एयर इज नेसेसरी फॉर द लाइफ। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दिस पिक्चर। तो देखो ये पिक्चर में क्या हमें दिखाई दे रहा है कि एक बीच है जहाँ पर चिल्ड्रन प्लेइंग कर रहे हैं। ये जो बलून मैन है वो बलून सेल कर रहा है। ये जो बॉय है वो गुब्बारे खरीद रहा है। यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो फ्लैग है, देखा आपने यहाँ पर, हाँ, झंडे को लहरा रहे हैं, फ्लैग इज फ्लटरिंग। ओके, यहाँ पर एक बॉय और गर्ल है वो काइट फ्लाई कर रहे हैं, है ना, दो बोट दी गई है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है पिक्चर को, ठीक है, पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर लेसन। सो यहाँ पर क्या दिया है, रीड फर्स्ट लाइन, WHAT वॉट, WHAT what? A pleasant, PLEASANT pleasant, pleasant मानी आनंददायी। What a pleasant morning, तो ये सब कौन बोल रहे हैं? जो यहाँ पर बीच पे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि what a pleasant morning, ये कितनी खुशनुमा सुबह है। फिर से एक बार रीड कर रही हूँ, What a pleasant morning, what a pleasant morning. The leaves, LEAVES, the leaves of the palm are rustling. तो आपको पता है स्टूडेंट palm tree होता है, palm नाम का एक tree है, तो उसके जो leaves है, leaves मानी पत्ते, वो क्या कर रहे हैं? रस्टलिंग, क्या कर रहे हैं? रस्टलिंग, रस्टलिंग का मीनिंग क्या होगा? सॉफ्ट साउंड, क्या बोलेंगे हम? सॉफ्ट साउंड, लाइक कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव और पेपर। आपको पता है जैसे कि सूखे पत्ते होते हैं पेड़ के, तो बीच पे जोर से हवा आती है, तो जो ये पत्तों की जो आवाज़ होती है, ये पत्ते जो हिलते हैं उनसे जो आवाज़ होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रस्टलिंग, क्या कहते हैं? रस्टलिंग, रस्टलिंग मानी सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड।
like caused by the movement of dry leaves or a paper. यहाँ पर हमें पेड़ का बताया है तो हम लीव्स लेंगे मीनिंग में, बट पेपर भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि कागज़ होते हैं, कागज़ के पत्ते, उनकी जो आवाज़ होती है, ठीक है, उसको भी हम रस्टलिंग कह सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस. द काइट इज फ्लाइंग. द काइट इज फ्लाइंग. टी एच ई द के आई टी ई काइट. आई एस इज एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग. द काइट इज फ्लाइंग. तो लुक इट इन अ पिक्चर, जो पिक्चर है उसमें काइट फ्लाई हो रही है, ठीक है. फ्लाई मानी उड़ना, तो पतंग उड़ रही है. द टी एच ई द बलून्स आर राइजिंग. द बलून्स आर राइजिंग. द बलून्स आर राइजिंग. ओके, तो ये जो बलून है, गुब्बारे है, वो हवा में उड़ रहे हैं. ये जो बलून है वो हवा में उड़ रहे हैं. नेक्स्ट दिया है द फ्लैग इज फ्लटरिंग. द फ्लैग इज फ्लटरिंग. मानी ये जो झंडा है वो हवा में लहरा रहा है. द शिप इज सेलिंग. द शिप इज सेलिंग. वॉट डब्ल्यू एच ए टी वॉट कोजिस. कोजिस मानी कारण. वॉट कोजिस ऑल दिस मूवमेंट. ओके, तो ये जो मूवमेंट हो रही है बोट की वाटर में, उसका रीजन क्या है? एयर ऑफकोर्स. तो ये जो बोट है वो सेलिंग हो रही है वाटर में, तो जिसका कारण क्या है? हवा. क्या है? हवा. हवा की वजह से ये जो शीप है, ठीक है, वो पानी में तैरती है. ओके, फिर से एक बार रीड कर रही हूँ. द शीप इज सेलिंग. वॉट कोजिस ऑल दिस मोमेंट. ये सब जो मोमेंट है, ठीक है, उसका कोज क्या है? तो कारण क्या है? हवा की वजह से ये जो पानी में जो शीप है वो मूव करती है, वो हवा के कारण. एयर ऑफ कोर्स. एयर ऑफ कोर्स. एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास हवा होती है. एयर इज ऑल अराउंड अस. तो वी नो स्टूडेंट, हवा हमारे आसपास रहती है, बट वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख सकते नहीं हैं. वी कैन नॉट सी एयर. तो वी मानी हम, कैन नॉट मानी नहीं देख सकते, सी मानी देखना, एयर मानी हवा. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख सकते नहीं हैं. वी डब्ल्यू ई वी कैन सी ए एन कैन. ओनली ओ एन एल वाई ओनली. एफ डबल ई एल फील इट. ओके, हम हवा को महसूस कर सकते. लाइक आपको पता है, आपके आपका फैन ऑन है, ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक है, तो यू कैन फील. ये जो हवा को आप महसूस कर सकते हो, बट यू कांट सी. यू कांट सी. फिर से एक बार देखो, हम दो पॉइंट हमारे ऑलरेडी हो गए हैं. हम ये लेसन में एयर की शॉर्ट नोट भी देखने वाले हैं, ठीक है. तो फिर से एक बार मैं रीड कर रही हूँ. व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग. कितनी खुशनुमा सुबह है. द लीव्स. लीव्स मानी पत्ते. द लीव्स ऑफ द पाम आर रस्टलिंग. द काइट इज फ्लाइंग. द बलून्स आर राइजिंग. द फ्लैग इज फ्लटरिंग. तो ये पिक्चर में आपने जो जो देखा है वो सभी यहाँ पर लिखा गया है कि बलून्स आर राइजिंग, फ्लैग इज फ्लटरिंग, काइट इज फ्लाइंग. ओके, सभी यहाँ पर लिया गया है. नेक्स्ट पेज. द शीप इज सेलिंग, यानी पानी में ये जो शीप है वो चल रही है. वॉट कोज ऑल दिस मूवमेंट. ओके, तो ये सभी चीज़ आपने देखी, जैसे कि यहाँ पर बलून फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से? हवा की वजह से. ये जो फ्लैग है वो फ्लटर हो रहा है. किसकी वजह से? हवा की वजह से. ये जो काइट है वो फ्लाइंग कर रही है. आपको पता है काइट फेस्टिवल में शायद कभी हवा नहीं होती है, सो वी आर नॉट एबल टू फ्लाई द काइट, है ना.
सो हवा चल रही है इसीलिए पतंग उड़ रही है. ओके, फिर ये पाम ट्री के जो लीव्स है वो रस्टलिंग यानी उनकी जो एक सॉफ्ट साउंड आ रही है. सेम थिंग हमें पीछे दिया है कि जो बोट सीप चल रही है वो किसकी वजह से है, हवा की. तो ये सब जो चीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, हवा की वजह से. किसकी वजह से, हवा की वजह से. सो ये सभी का कंक्लूजन हमारे पास क्या होगा, एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे आसपास होती है. अराउंड मानी हमारे आसपास. एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख सकते नहीं हैं. वी कैन ओनली फील इट, हम हवा को महसूस कर सकते हैं. लाइक आप कहीं पे घूमने गए हो और तेज़ हवा आ रही है, तेज़ हवा आ रही है, ठीक है. तो मे बी आपके है जो बाल है वो उड़ रहे हैं, आपके कपड़े हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है. बाजू जो आपके आसपास आपके अराउंड जो पेड़ है उनके पत्ते हिल रहे हैं और आप उसको महसूस कर सकते हो बट यू कांट सी द एयर. तो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो ट्रू है, एयर इज ऑल अराउंड अस, वो हमारी शॉर्ट नोट की फर्स्ट लाइन होगी. एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट, हम उसे महसूस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आज का हम वर्क यहाँ तक ही करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो बहुत ईजी है ये लेसन, बहुत ही ईजी और बहुत ही जानने लायक है, ठीक है. तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा. तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज जो भी मैंने करवाया है वो आपको रीड करना है. तो होमवर्क में रहेगा रीड क्लास वर्क. गॉट इट एवरी वन? यस स्टूडेंट. ओके, सो टिल देन बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरी वन.